जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दो दिनों से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो लगातार अपनी हड़ताल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की इस हड़ताल का जो असर है वो अब पेट्रोल और डीजल पर भी होता दिखाई दे रहा है। सहारनपुर के कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। जो टैंकर्स हैं, सप्लाई वाले टैंकर्स हैं, वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। इसका जो सीधा खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर लोग इंतजार में खड़े हुए हैं कि कब पेट्रोल जो है उनको मिले और वो आगे निकले, क्योंकि उनको काफी दिक्कतें हो रही है। दो दिन का समय हो चुका है और दो दिन से हड़ताल लगातार जारी है। अब जब कमर्शियल वाहन रुके हुए थे तो उसके बाद अब जो लोगों के जो निजी वाहन हैं उन पर भी ये संकट जो है वो गहरा गया है। और पेट्रोल पंप्स पर लगातार लोग आ रहे हैं लेकिन इनको पेट्रोल और डीजल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जो संचालक हैं पेट्रोल पंप के, उनको उम्मीद है कि शायद देर शाम तक आपूर्ति जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा है क्योंकि हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। और जो भी टैंकर्स यदि आने की कोशिश करते हैं और वो पेट्रोल पंप तक जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो हो नहीं पा रही है। आम आदमी बहुत परेशान है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी हड़ताल कर रहे हैं किसी मांग को लेकर, वो ठीक है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत हो, आम जनता को परेशानी हो। और जिस तरह से जो हड़ताल हो रही है, हड़ताल की वजह से अगर जो रोज की दिनचर्या की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल है, अन्य आपूर्ति हैं, यदि उस पर उसकी सप्लाई रुकती है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोग घंटों से इंतजार में खड़े हैं कि उनको डीजल या पेट्रोल मिल जाए ताकि वो अपने घरों की तरफ आगे जा सके, लेकिन उनको उम्मीद नहीं लग रही है कि डीजल या पेट्रोल उनको जल्दी मिल जाएगा।